कई बार हमारे मोबाइल फोन में हमारी काफी ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई और उन वीडियोस को ना देख पाए, उसको एक्सेस ना कर पाए। वो हमारी किसी भी तरह की वीडियोस हो सकती हैं, अगर आप उनको हाइड करना चाहते हैं और आप अभी तक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, प्ले स्टोर से आप हाइड नाम की बहुत सारी ऐप जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें हाइड करते हैं, तो अब आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो एमएक्स प्लेयर के अंदर ही आपकी वीडियोस को हाइड कर देगा और एक प्राइवेट फोल्डर बना देगा। वहां पर आप अपनी वीडियोस को हाइड कर सकते हैं उस प्राइवेट फोल्डर में, और उसका एक पिन भी बनता है। वो पिन जब आप एंटर करेंगे तभी आप उनको एक्सेस कर पाएंगे, आपके अलावा कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है इसको जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली हमें आ जाना है अपने मोबाइल फोन में और एमएक्स प्लेयर को ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जिस भी वीडियो को हाइड आप करना चाहें उसको आप यहाँ पे किसी भी फोल्डर में से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारा ये डाउनलोड का बना हुआ एक फोल्डर है और डाउनलोड फोल्डर में एक हमारी ऊपर वीडियो आ रही है पिक्सल्स करके, हमको इसको हाइड करना है। तो या तो हम इसी के थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक इन प्राइवेट फोल्डर, या फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे अगर आपको मल्टीपल फाइल्स करनी है ऐसे करके। उसके बाद जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपनी वीडियोस को तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे चौथे नंबर पर एक ऑप्शन आता है लॉक इन प्राइवेट फोल्डर, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको करेंगे तो ऐड करने के बाद जो है आपको यहाँ पिन बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आप 4 डिजिट का एक पिन यहाँ पे अपना सेट कर लीजिए, बना लीजिए, और उस पिन के डालने के बाद ही आप इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। तो वो पिन आप बना लें और वो पिन आप किसी के भी साथ शेयर ना करें अगर आप चाहते हैं कि आप उन फाइल को खुद ही एक्सेस करें। तो अब आपको क्या करना है, उस फाइल को एक्सेस करने के लिए यहां से बैक आना है। राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर ही आपको एक बटन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद यहां पे आ जाता है प्राइवेट फोल्डर, दूसरा ऑप्शन है, आपको इस पर टैप कर देना है। फिर यहां पे जो पिन आपने बना रखा है वो पिन एंटर करना है, हमने वो पिन एंटर कर दिया। अभी आप देखेंगे प्राइवेट फोल्डर में हमारी एक वीडियो यहां पे है और आप इसको चलाकर भी देख सकते हैं, या अगर आपको साउंड वगैरह कम करना है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल फाइल्स जो हैं मैं यहाँ पे सेव कर पाऊँ तो वापस से आप बैक आएंगे और जो भी फोल्डर की आप करना चाहें, जैसे ये दोनों वीडियोज़ हैं मैं इनको हाइड करना चाहता हूँ, तो लॉक इन प्राइवेट फोल्डर पे पहले जैसा ही क्लिक करूँगा ऐड कर दूंगा, तो ये यहाँ पे हमारी हाइड हो चुकी हैं। अब मैं वापस से यहाँ आऊँगा, प्राइवेट फोल्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पिन डाल दूंगा, तो आप देखेंगे हमारी तीनों वीडियोज़ यहाँ पे शो कर रही हैं। अब अगर दोस्तों मुझे इन वीडियोस को यहाँ से डिलीट करना है तो मैं इसको ऐसे टैप करके रखूंगा और यहाँ डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। और अगर हमें इसको यहाँ से अनहाइड करना है, वापस से फोल्डर में भेजना है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, उसके बाद अनलॉक पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ अनलॉक दोबारा टैप कर देंगे। अब यहाँ से जब हम बैक आते हैं और बैक आकर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ डाउनलोड्स वाला फोल्डर जो है हमारा, उसी में आपको ये तीनों जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर आपका कोई दूसरा फोल्डर होगा तो उसमें वो वीडियोस वापस आ जाएंगी। हेलो, इस तरह से दोस्तों आप अपनी वीडियोस को हाइड कर सकते हैं एमएक्स प्लेयर में, और वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इससे हमारी आने वाली इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।